कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, हम देख रहे हैं किस तरह से भक्तों को थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है, फिर भी भक्तों का उत्साह कहीं से भी कम नहीं नजर आ रहा है। कुमार, देखिए मैं दो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर जो भक्तों का रेला बाहर खड़ा है, ये वो रेला है जो यहां से लेकर पंकज जी दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। और दूसरी तस्वीर मंदिर के अंदर की भी है, वो भी दिखाना चाहूंगा, ये भक्ति पथ की है। और इसके आज कैमरा पर्सन एक बार निरंजन इधर है प्लीज, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो मेन चेकिंग है उस जगह पे अब पहले से ज्यादा जो है कह सकते हैं कि व्यवस्थित की जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप मंदिर में चले भी गए तो अब मैं एक बार दिखाऊंगा कि मंदिर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां भी काफी भीड़ है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं रवि कि सुबह से जो भक्तों का रेला यहां पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारे के सारी अयोध्या या फिर सब के सब लोग यहां पहुंच चुके हैं और पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक बार मैं निरंजन प्लीज इधर आइए, एक मैं इधर की भी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि आरपीएफ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। और आरपीएफ को इसलिए भी क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और ये जो आपको देखेंगे आरपीएफ के जवान यहाँ पे खड़े हैं, अब उन्होंने बैरिकेटिंग करनी शुरू की है। जैसे एक मैं पहले दिखाऊंगा, सुबह में प्रॉपर बैरिकेटिंग नहीं थी, अब आप देखिए वहां पे रस्सा लगाया गया है एक, और वहां पे प्रॉपर बैरिकेटिंग करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को रोका जा रहा है। अब पहले क्या था कि एक हुजूम था जो आके खड़ा हो गया था, अब वेट मतलब टर्न बाय टर्न लोगों को लाया जा रहा है और फिर उसके बाद अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो इससे भीड़ थोड़ा कंट्रोल होने की कोशिश होती हुई दिख रही है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस हिसाब से सुबह में लोग आए, जिस तरीके से लोग आए, पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आप देखिए व्यवस्था का हालत, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का दावा था कि यहाँ पे किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमने तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन पहले ही दिन दर्शन में वो सारे के सारे इंतजाम धरे हुए नजर आ रहे हैं। संभव है कि भीड़ अनियंत्रित है या फिर लोग ज्यादा हो गए हैं, कई तरह की ऐसी बातें हैं जो बातें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। और वो तस्वीर TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि प्रशासन जल्द से जल्द सजग हो, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो सकती है जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुंदन ये भी महत्वपूर्ण था कि सैलाब जो अनुमानित था कि लगभग 2 लाख लोग दर्शन कर सकेंगे रोजाना, ऐसे में आज से जब जनता के लिए दर्शन खुले हैं उसके बकायदा नियम भी हैं, तो क्या यहाँ पर उन नियमों का भी फिलहाल कोई पालन नहीं हो पा रहा? और ये भी देखना और जानना जरूरी है कि अंदर जब लोग शामिल हो भी जाएंगे तो भी तो आरती का एक नियमित समय है, हर विधि विधान से की जाने वाली पूजा का भी नियमित समय है। देखिए जहां तक नियमों की बात है तो जो पहले मंदिर खुलने और मंदिर बंद होने का नियम था, हाँ, उसमें फौरी तौर पे बदलाव किया गया है भीड़ को अच्छा। देखते हुए जैसा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई थी। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, भीड़ इतनी अधिक हो गई है कि जिसको नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। और मंदिर का जो अपना रिचुअल्स है, जो अपनी टाइमिंग है, मंदिर अपने टाइमिंग के हिसाब से ही, चाहे वो श्रृंगार आरती हो या संध्या आरती हो या दिन की आरती हो, एक पूरे दिन में 4 आरती होती है सुरभि, और 4 आरती का जो समय है उस समय में कहीं कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जिस समय आरती हो रही होती है उस समय तो पटबंदी होगा, ऐसी स्थिति में लोगों को बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। यही वजह है कि जो मंदिर के अंदर की भीड़ मैं दिखा रहा हूँ ये तो बाहर की भीड़ है, और जो अंदर की भीड़ है उसकी भी वजह यही है कि सुबह के श्रृंगार आरती, सुबह की आरती के बाद और जो स्थिति बनी वो स्थिति एक तरीके से बहुत ही मुश्किल परेशान करने वाली थी। आप देखिए किस तरीके से बैरिकेड पर चढ़ चढ़ के लोग जा रहे हैं, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ बैरिकेड तोड़ने की या बैरिकेड के ऊपर से चढ़ के चलने की कोशिश है, गलती लोगों की भी है, थोड़ा सा सब्र करें क्योंकि कोई अनहोनी हो सकती है, किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, अगर थोड़ा सा सब्र रखें तो शायद चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक आप देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं लोग बैरिकेड तोड़ चढ़ के जा रहे हैं, ये तो कुछ गलती लोगों की भी है, प्रशासन की अपनी चुनौतियां हैं लेकिन उसके साथ लोगों की भी परेशानी है, थोड़ा सब्र रखें तो शायद चीजें ठीक हो सकती हैं। तो ये तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको बार बार दिखा रहा है और ये सजग करने की कोशिश करवा रहा है कि किसी भी तरीके से
वो अव्यवस्था न फैले जी, क्योंकि जब इतने दिन का सब्र है, 500 साल का सब्र है, पहला दिन है, अगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखें, पहला दिन पहली सुबह है, भक्तों में थोड़ा उतावलापन जरूर है, लेकिन यही भाव है, यही भक्ति है, और भक्त यहाँ रामलला के दर्शन के लिए खिंचे चले आ रहे हैं तमाम असुविधाओं के बाद भी। और देखिए राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा, देश विदेश से लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। विदेश से आए भक्तों से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने बात की, आप भी सुनिए। अयोध्या में जहां भी आप देखेंगे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और सभी सड़कें इस वक्त राम मंदिर की ओर जा रही है। जिससे भी पूछेंगे वो यही बताएगा कि हम राम मंदिर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच गए हैं कि प्रशासन को थोड़ा यहां पे मशक्कत करनी पड़ रही है। कहां से आए आप लोग? ओडिशा से आए हम। और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं जी, दर्शन के लिए आए, दर्शन के, रामलला के दर्शन के लिए आए। नमस्कार, जय श्री राम। वर्तमान 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं, खुशी समाया नहीं जा रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग कहाँ से हैं? I'm from New York. Okay. I speak English. Okay, no, only sure, very sure. little Hindi. Yeah, sure, sure. What was your first reaction after? Oh, wow. This darshan was absolutely amazing. I mean, we all watched it on the live stream yesterday, but actually going to see Lord Ram today was a very moving experience. Somehow or other, I got to be one of the first people in the queue. I don't know how it happens. It's not my country, but I'm just so grateful to be part of this. Did you manage to... Yes, I had darshan. I was like the third lady that was allowed through the gate. What time you were in queue? This queue outside? Yes. Probably 5:30 in the morning. I don't know what the time is now. I left my phone at home all this